में शनिचरी अमावस्या के दिन शहर के सभी शनि मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। साथ ही शनिदेव का अभिषेक कर विशेष श्रृंगार किया गया। वहीं जूनी इंदौर स्थित बाल शनिदेव मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना कर श्रृंगार किया गया। बाल शनिदेव मंदिर के प्रमुख पुजारी अमित शास्त्री जी ने बताया कि आज अमावस्या शनिदेव का अति प्रिय दिन है, साथ ही शनिवार भी है जिसे शनिचरी अमावस भी कहा जाता है। आज के दिन शनिदेव की पूजा करने से हर संकट दूर होता है, साथ ही जिन लोगों पर शनिदेव की साढ़े सती चल रही है उन्हें भी लाभ मिलता है। भाई सब बताएं, शनिवार है और शनि अमावस्या में क्या महत्व है और क्या विशेषता है? अमावस्या थी शनिदेव जी को अत्यधिक प्रिय है। जिस अमावस्या को शनिवार आ जाता है उस अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। आज फाल्गुन मास की शनिश्चरी अमावस्या है और इसी के निमित्त बाल स्वरूप शनिदेव मंदिर पर प्रातःकाल से भगवान शनिदेव जी का तिल अभिषेक एवं अनेक प्रकार की औषधियों से और सुगंधित द्रव्यों से अभिषेक किया जा रहा है। शमी के पत्र एवं पुष्पों से भगवान का अर्चन किया जाता है। वेद मंत्रों के द्वारा शनिदेव जी का हवन करके प्रसन्न किया जा रहा है। विशेष रूप से जिन भक्तों को शनिदेव जी की साढ़े साती का काल अढ़ैया या ढैया चल रहा है वे लोग हवन पूजन में सम्मिलित होकर शनिदेव जी की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। फाल्गुन मास की अमावस्या का अत्यधिक महत्व है। इस दिन भगवान का भजन पूजन करने से शनिदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। किस तरह से विधि रहती है आज के दिन पूजा पाठ करने की और किस तरह से शनिदेव की आराधना की जाती है? आज के दिन श्रद्धावंत केवल शनिदेव जी को प्रणाम कर लें तो ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और विधि के अनुसार अगर पूजन करें तो फिर कर्माधीश्वर ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत शनिदेव जी का पूजन करना चाहिए। संभव हो सके तो शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। रात्रि के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक लगाकर शनिदेव जी को प्रणाम और नंदवत करना चाहिए। और आज पंडित जी मिथुन राशि का बहुत महत्व रहता है। जिन राशियों पर भैया साढ़े साती चल रही है उन राशियों से मिथुन पे तो ढैया चल रहा है शनिदेव जी का और मकर तुला और इन राशियों पर भगवान की साढ़े साती का प्रभाव है। इन राशियों के जातक व्यक्ति अगर शनिदेव जी की पूजन पाठ वंदना करेंगे तो उनका समय अनुकूल होगा और भगवान की अनंत कृपा उन भक्तों को प्राप्त होगी। चैनल के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? दर्शकों के लिए संदेश यही है कि सरकार की गाइड के अनुसार सर्वप्रथम तो कोविड का पालन करें और अपने घर पर रहकर जितना संभव हो सके सूक्ष्म मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, जितना अत्यधिक हो सके उतना इस मंत्र का अनुष्ठान करें। एक बार मंत्रों में बोल देता हूँ, ओम शम शनिश्चराय नमः, जितना संभव हो पाए इस मंत्र का आज के दिन अनुष्ठान करें, उससे भगवान की कृपा सभी भक्तों पर अत्यधिक रहेगी। पंडित अमित ओम प्रकाश पुराणिक, बाल स्वरूप शनि मंदिर जुनिंदौर। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।